पक्का हमारे गांव का भी नाम आ जाएगा, दरियापुर दयालपुर। अरे जो आदमी बढ़िया है उसी को तो दिया जाएगा, जो पढ़े लिखे आदमी हो। इनका तो खानदानी दाता इलाही तो खानदानी मास्टरी के पैसे मारे। इसीलिए आपको किस एक और भी खड़ा ब्रह्मपाल, उसकी घरवाली भी खड़ी, उसकी तो ढीली है। किसकी किसकी? ब्रह्मपाल की। अरे भाई ऑन करो, तुम ऑन कर दिया, आवाज आ रही है। देखिए बाबा जी, आप हमें ये बताइए कि ये जो यहाँ पर आप आए हैं, आप कार्यक्रम में आ गए, तो कार्यक्रम में तो बहुत से लोग आते हैं, वोट वगैरह पड़ती है या नहीं पड़ती नेताओं को? हाँ पड़ती है। मतलब अभी आप किसके कार्यक्रम में आए थे? हम तो भाजपा के कार्यकर्ता पिंकी। अच्छा हाँ। तो वोट जो है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसको वोट पड़ेगी? पड़ेंगी, बहुत भारी मतों से जीतेगी। अरे वो उसका कारण है, वो हमारे एक क्षेत्र में भाजपा से आई है तो इस वजह से उसे जनता वोट देगी। अच्छा भाजपा से आई इसलिए? हाँ। अच्छा बहुत जनता आ रही है तो इस वक्त टिकट ही टिकट हो रहे, कोई निर्दलीय कोई कांग्रेस तो कोई हाथी तो इस वजह से इसकी भारी जीत हो गया। अच्छा, तो ये सिर्फ इस गांव की बात कर रहे हैं कि पूरा दरियापुर दयालपुर का जो पूरा क्षेत्र है जिला पंचायत सबका वोट पड़ेगा? हाँ पूरा पड़ेगा सबका, ये जिसके किसी के भाग्य में वो मिलेंगी इतनी। अच्छा मिलेंगी। हाँ ये सीट जो है लिख दिया वही होगी, ये सीट बीजेपी की है ऐसा लगता है आपको? हाँ लगता है ऐसा ही, अगर जीतोगी भाजपा बीजेपी जीतेगी। दरियापुर दयालपुर से बीजेपी जीतेगी? हाँ पक्का, हमारे गांव का भी नाम आ जाएगा दरियापुर दयालपुर। हुई बात, मतलब दरियापुर दयालपुर का नाम आ जाएगा और नाम के लिए वोट देना जरूरी। हाँ नाम हो जाएगा दरियापुर दयालपुर। मतलब मेन लॉजिकल जो चीज है वो ये कि अगर दरियापुर दयालपुर से अगर आप जिता देंगे तो नाम हो जाएगा, हमारे गांव का दरियापुर का नाम हो जाएगा, ऊंचा उठ जाएगा। हाँ ये भी चाहते हैं। हाँ आपका मेन उद्देश्य है कि दरियापुर दयालपुर में वोट दे करके इसका नाम आगे बढ़ाने का काम हमारा। कि ये तो आप किसी और को भी अगर वोट दे दो, आप कांग्रेस को वोट दे दो, बसपा को वोट दे दो, निर्दलीय को वोट दे दो, किसी और को वोट दे किसी और जिता के भी नाम कर सकते हो। अरे जो आदमी बढ़िया है उसी को तो दिया जाएगा, जो पढ़े लिखे आदमी हो। इनका तो खानदानी दाता इलाही तो खानदानी मास्टरी के पैसे मारे। अच्छा। हाँ अरे कौन है बढ़िया, मतलब तो भाई हमें तो यही प्रत्याशी बढ़िया लगता है। अच्छा। हाँ इसीलिए आपको किस एक और भी खड़ा ब्रह्मपाल। अच्छा। उसकी घरवाली भी खड़ी। हाँ, तो क्या उसकी तो ढीली है। किसकी किसकी? ब्रह्मपाल की। अच्छा। उसकी घरवाली की क्या नाम है उसका? चलो चलो भाई देर हो जाएगी, लेकिन बात बड़े पते की है क्योंकि जब उम्र दराज व्यक्ति जब कोई किसी विषय पर चर्चा करता है तो खुल के चर्चा करता है, क्योंकि न लोभ न लालच न मोह न माया, लेकिन कहीं ना कहीं जब राजनीतिक सिस्टम में कोई आता है तो एक लालच ये कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अरविंद सैनी जी अगर जीतते हैं तो इनका नाम हो जाएगा, मतलब ये दरियापुर का पूरा नाम हो जाएगा। मेन उद्देश्य है कि नाम हो जाएगा इसलिए फायदा। हाँ और किसी अब ब्रह्मपाल सैनी जी जो खड़े हैं तो? अरे वो तो खड़े भाई, वो बड़ा नेता है। हा? वो तो बड़ा नेता ब्रह्मपाल है, तो बड़े नेता सब मंत्री रहा यार। हाँ तो फिर उस तो वैसे ही जनता डर जनता डरती है जनता डरती है उसका। जनता को तो डरना थोड़ी ना चाहिए, जब बड़ा नेता है तो अच्छी बात है, इसमें नुकसान क्या है? हाँ देख तो देव ऑर्डर जाए बहुत सो उनका उठ गिरो। हाँ कौन सा काम आदमी सही रहेगा। अच्छा। हाँ। चलो भैया देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी जगह पे बहुत सारी चर्चाएं होंगी जो हम आपको दिखाते रहेंगे, और ऐसे ही बहुत से लोगों के जो ओपिनियन होंगे जो भी उनके थॉट्स होंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम हैं दरियापुर दयालपुर सीट पर, और इस सीट पर जो लोगों से बात हो रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद। प्रधान पद के उम्मीदवार से लेकर अध्यक्ष पद के दावेदार तक अब दावेदार आएंगे और आपको सपने दिखाएंगे, गांव की पगडंडी से लेकर हवाई जहाज की सैर कराएंगे, और हम सुनाएंगे आपको उन दावेदारों की असली कहानी, और आप बताएंगे अपना हाल अपनी जुबानी। तो हो जाइए तैयार, द न्यूज वाला नेटवर्क आ रहा है आपके गली आपके मोहल्ले आपके द्वार, ऐसे ही द्वार द्वार होकर हम आपको घुमाएंगे पूरा हरिद्वार। हरिद्वार के जिला पंचायत चुनाव में कौन कौन है जीत कर आने वाला, ये सब जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज वाला।